स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज के वीडियो में हम लोग सीटेट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में स्टडी करेंगे। द एक्ट एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस थॉट, ऐसा वर्क जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ विचार उत्पन्न हों या थॉट्स उत्पन्न होती हैं, उनको हम थिंकिंग कहते हैं। पीपल थिंक अबाउट ऑलमोस्ट एंड एवरी थिंग विथ आर विदाउट एनी रीजन आर रिजल्ट। कुछ लोग जो है सोचते रहते हैं बिना किसी रीजन के या बिना रिजल्ट आए, यानी जिसका कोई रिजल्ट ना निकले और बिना किसी रीजन के वो सोचते रहते हैं, तो उसको हम लोग थिंकिंग कहते हैं। जैसे हमें नॉर्थ इंडिया में जाना है, तो नॉर्थ इंडिया हमें जाना है, घूमने जाना है, बस घूमकर चले आना है, ये सोच हमारी जो है थिंकिंग कहलाती है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग, यानी सोच के बाद जो सोच होती है उसको हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। जैसे हमें नॉर्थ इंडिया में जाना है, वहाँ क्या करना है, कैसे हम ट्रैवल एजेंसी को कॉल करेंगे, किस होटल में रहेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कौन कौन सी जगह घूमेंगे, तो ये क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। यानी इसमें हम सोचते भी हैं और विथ रीजन सोचते हैं और हम रिजल्ट तक भी जाते हैं, तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और जिसमें बस केवल विचार उत्पन्न हो, कोई रीजन ना हो और किसी रिजल्ट तक हम ना पहुँचे, उसको हम नॉर्मल थिंकिंग कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो है थिंकिंग का डीप फॉर्म है, यानी जब हम डीप में कोई चीज़ सोचते हैं तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और इसमें जो है विथ रीजन एंड रिजल्ट, जिसमें कि कोई कारण होता है और हम में रिजल्ट तक जाना रहता है। अप्लाइड कंसिडरेशन एजम्पशन एंड डिटेल्स, हम किसी चीज़ पर उसको अपने विचार को अप्लाई करते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं और उसकी डिटेल में जाकर रिजल्ट तक पहुंचते हैं, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 5 W's होते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, यानी हम क्या किसके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, कब सोच रहे हैं और कौन थिंग्स के बारे में हम डीपली विचार कर रहे हैं, तो ये जो 5 W हैं ये क्रिटिकल थिंकिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल होती है, इसमें 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। से रीजनिंग है, हम पहले कोई रीजन लेते हैं, तर्क करते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं उसको, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, यानी उसके निगेटिव और पॉजिटिव आस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग, डिसीजन हम लेते हैं कि क्या होगा, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो भी प्रॉब्लम हो, फिर उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं, यानी उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुँचते हैं। तो ये है थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग।